हेलो फ्रेंड, मैं संजय समल SJY वायरल का क्रिएटर सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मोटिवेशन टू फाइट विद कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में अब शायद कोई इंसान होगा जो नहीं सुना होगा। ये क्या है और कैसे फैलता है ये सबको पता है। पूरा दुनिया का कोरोना का कहर अब बढ़ता ही जा रहा है। ये कब और कैसे ख़त्म होगा ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लाखों लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में है और हजारों लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कोरोना वायरस से सुरक्षित है या नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम सही मायने में कोरोना वायरस को हम जानते हैं और समझते हैं। स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लोग कोरोना से कम और उसकी डर से ज़्यादा मरेंगे। मैं इस वीडियो में आपको इतना विश्वास दिलवाऊँगा कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे सावधान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सभी वायरस होता है ऐसे ही कोरोना वायरस भी है, लेकिन अभी ये भी नहीं है को हल्का में ले। हल्का में इसलिए नहीं लेना है कि क्योंकि उसका पूरा इलाज नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपको प्रेरणा मिल जाए, आप डरे नहीं बल्कि सतर्क रहे। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब हम सोचते हैं तब हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है, यानी कि जो हम सोचते हैं उसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमें माइनर जुखाम भी होता है तो सोच कर डर जाते हैं कि कहीं हमें कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को हम अनकॉन्शियसली डरा रहे हैं और उसका असर बहुत बुरा होता है। अगर हम दिन रात उसके बारे में सोच रही हैं तो हमारा शरीर अनकॉन्शियसली उसे डरने लग जाता है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारा शरीर को भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। और डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात सतर्क होने की, आपको बस एक चीज़ पे ज़्यादा प्राथमिक देना है। आप हाइजीनिक हमेशा मेंटेन रखें, साफ सफाई हमेशा मेंटेन रखें, ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस से कैसे बचना है और क्या करना है इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी, क्योंकि हमारी सरकार इस पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रही है। तो सरकार इतने अच्छे तरीके से और ज़ोर शोर से इस चीज़ को ध्यान दे रही है तो हमारे भी फर्ज बनता है और हम डरने की बजाय अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखें। और कुछ ऐसी चीज़ को सेवन करें जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। और मेन बात यह है कि आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। कोरोना है, अगर हम सावधानी बनाए रखें तो ये हमें इफेक्टेड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। थैंक यू।